यहाँ से आप क्लियरली रोड्स को देख सकते हो। हेलो दोस्तों, टेक्निकला मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 4K सैटेलाइट व्यू मैप का मोड इंस्टॉल करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको scriptukvi.net, नेटिव UI और OpenIV इन सब की ज़रूरत होगी। इन सब के इंस्टॉलेशन के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन सब को इंस्टॉल कर लीजिए। इन सब को इंस्टॉल करने के बाद इस मोड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैंने इसे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर दिया है। एक्स्ट्रैक्ट करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद स्क्रिप्ट्स का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ कॉपी टू स्क्रिप्ट्स फोल्डर का एक फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद रेडार जूम का एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको रेडार जूम के दो फाइल्स मिल जाएंगे। इन दो फाइल्स को GTFI स्क्रिप्ट्स फोल्डर पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद GTFI मेन फोल्डर पर मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट XCC4 DLC पैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर यहाँ बैक आ जाइए। बैक आने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर यहाँ आपको एक मैप का एक फोल्डर मिलेगा, इसको GTFI DLC पैक्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। इसको क्लोज करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ आपको एक रीडमी का एक टेस्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा आइटम DLC पैक्स मैप आइटम, इसको कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद OpenIV को ओपन कीजिए। OpenIV ओपन होने के बाद एडिट मोड पर क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट .rpf कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का टेक्स्ट आया ना, उसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ लास्ट में कॉपी किया हुआ टेक्स्ट को पेस्ट कीजिए। पेस्ट करने के बाद सेव कीजिए। सेव करने के बाद OpenIV होम पर आ जाइए। OpenIV होम पर आने के बाद यहाँ आपका XCC4E.rpf दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद शो इन मॉड्स फॉलो को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद लेवल्स में जाइए। उसके बाद GTA 5, उसके बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फॉलो पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा रेडर सैटेलाइट व्यू, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको मिनी मैप .rpf दिख रहा है ना, इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। इसको यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फॉलो पर यहाँ बैक आ जाइए। बैक आने के बाद हॉट फिक्स फॉर रेडार दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। हॉट फिक्स फॉर रेडार को इंस्टॉल करने से आपको ये डिफरेंस मिलेंगे। यहाँ आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो, ये हॉट फिक्स फॉर रेडार को इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका मिनी मैप ऐसा दिखाई देगा। इसे इंस्टॉल नहीं करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। यहाँ दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हो। इसे स्किप करने से भी आपका मॉड वर्क करेगा। OpenIV होम पर आ जाइए। OpenIV होम पर आने के बाद यहाँ मॉड्स में जाइए। हॉटफिक्स फॉर रेडार पर मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, उसके बाद फिर से अपडेट, XCC4 टेक्सचर्स, उसके बाद ग्राफिक्स YTD। इसको ओपन करने के बाद यहाँ आपको रेडार मास्क XM का एक फाइल मिलेगी। उसके बाद OpenIV होम पर आ जाइए। OpenIV होम पर आने के बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट, अपडेट .rpf, उसके बाद XCC4, उसके बाद टेक्सचर्स, उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्राफिक्स .ytd, इसको ओपन कीजिए।
इसको ओपन करने के बाद यहाँ नीचे जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हो ये फाइल, ये फाइल का नाम सेम है, राडार मास ये सेम। इस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद रिप्लेस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद इस फाइल को नेविगेट कीजिए। ये आप देख सकते हो हॉट फिक्स फॉर रेडार, इसको ओपन कीजिए। उसके बाद मॉड्स, उसके बाद अपडेट, उसके बाद फिर से अपडेट, XCC4 टेक्सचर्स ग्राफिक्स YTD। इसको ओपन करने के बाद ये फाइल यहाँ आप देख सकते हो, ये फाइल आ चुकी है। इस पर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए, उसके बाद इसे सेव कीजिए। सेव करने के बाद एक्स्ट्रा किया हुआ फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ बैक आ जाइए। बैक आने के बाद हॉट फिक्स फॉर रेडार पर फिर से क्लिक कीजिए। उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा XCC4 ये, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद टेक्सचर्स में जाइए। उसके बाद ग्राफिक्स YTD का एक फोल्डर दिख रहा है ना, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फिर से OpenIV होम पर आ जाइए। उसके बाद यहाँ आपको नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा XCC4A.rpf, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने पर शो इन मार्स फॉलो को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद टेक्सचर्स में जाइए। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा graphics.ytd, इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद फिर से यहाँ नीचे आ जाइए। नीचे आने के बाद यहाँ आप देख सकते हो रेडार मास्क SM का एक फाइल आ चुकी है। इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद रिप्लेस पर क्लिक कीजिए। फिर से इस फाइल को नेविगेट कीजिए, हॉट फिक्स फॉर रेडार, इसको ओपन कीजिए। उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद XCC4A, उसके बाद टेक्सचर्स, उसके बाद ग्राफिक्स YTD, इस पर क्लिक कीजिए। ये आप देख सकते हो ये फाइल नेविगेट हो चुकी है। उसके बाद इस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों GTFI ओपन करने के बाद आप देख सकते हो 4K में आप आ चुका है। हमारा मैप चेंज हो चुका है। यहां से आपको सब रोड्स दिखाई देंगे। यहाँ से आप क्लियरली रोड्स को देख सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पूरा एयरपोर्ट दिख रहा है। यहाँ आप देख सकते हो हमारा मिनी मैप भी चेंज हो चुका है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।